प्रेरणा दिए। नमस्कार बिग्रिकी न्यूज को आपण मानको स्वागत करूछी मु बंदिता बुलेटिन आरंभ करबा से दुखद गुरुत्वपूर्ण खबर रु कोलकाता कोयला घाट रेलवे कार्यालय रे भयंकर अग्निकांड 13 महला कोठा रे लागिला निया निया लिभाइबा को जाई चार अग्निशम कर्मचारी दुई आरपीएफ जवान को समेत 9 जणकर जीवन जाईछि एने पश्चिम बंग अग्निशम और जरूरी कारण सेवा मंत्री सुजित बोस स्पष्ट करिछंती बिल्डिंग रो ईस्टर्न एवं साउथ ईस्टर्न रेलवे रो जोनल कार्यालय रे निया लागिछि गतकाल संध्या 6:10 रे निया लागिथिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घटना रे गभीर शोक व्यक्त करबा सह प्रति मृतकक परिवार को 10 लाख टंका रो सहायता घोषणा करिछंती एतिस परिवार जणक चाकरी नै मुख्यमंत्री घोषणा करिछंती सेपर मृताहतक नै गभीर शोक व्यक्त करिछंती प्रधानमंत्री पीएमएनआरएफ रो सहायता घोषणा करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मृतकक परिवार को मिलिबो 2 लाख टंका लेखाएं सहायता सेपर गुरुतर आहतक 50,000 टंका लेखाएं सहायता देबाकू घोषणा करिछंती प्रधानमंत्री गतकाली संध्या रे हठात निया लागि जाइथिला चाहू चाहू ए निया चारियाड़ को व्यापी जाइथिला निया लिभा कार्य रे 10टी दमकल नियोजित होइथिले निया को आयत्त करा जाइछि शॉर्ट सर्किट रु निया लागिथिबा अनुमान करा जाउछि घटना परे टिकट बुकिंग सेंटर विशेष प्रभावित होइछि अधिक आलोचना करबा कोलकाता प्रतिनिधि अर्पिता हाजरा अछन्ते हम सते फोन लाइन रे अर्पिता जी जानना चाहते अभी अभी का क्या हालत है बांका देखिए स्टैंड रोड में जो आग लगा था कल रात में और उसमें 9 लोग मर गए इसमें एक एएसआई है अमित भवल उसका कुछ देर पहले उसका पीएम हो गया और इसमें से उसका जो देहा उसका जो बॉडी वो लेकर वो अलीपुरद्वार में जाएंगे तो ये जो लिफ्ट के दौरान वो लोग गए थे ऊपर में क्यों गए थे इसलिए पुलिस ने जो उसका जो प्राइमरी जो ओपिनियन है जे उसमें डेप्यूटी सीएम उसमें अटक गए थे और उसको उसका जो जो इन्वेस्टिगेशन जो पार्ट था और वो क्या हाल में है ये हाल हकीकत जानने के लिए ये अमित भवल उन्होंने ऊपर में गए थे और उसमें से बहुत सारे जो दमकल का जो कर्मी थे और जो आरपीएफ थे जो पुलिस कर्मी थे वो लोग लिफ्ट में गए थे मगर उस टाइम में जो ब्लास्ट हुआ था इसमें लिफ्ट का जो इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन था वो अटक गए और इसमें लिफ्ट जो वो डाउन नहीं हुआ तो इसीलिए लिफ्ट अटक गए और फिर ये जो जो आग लग गए तो आग के दौरान ये लोग जो 9 लोग हैं ये उधर पे ही उसका देहांत हो गया फिर पुलिस ने उसमें जाकर उसको रेस्क्यू किया और कल से हम लोग उधर पे थे तो इसीलिए जो 9 लोग हैं उसमें दमकल है आरपीएफ है जब एएसआई पुलिस कर्मी है तो ये 9 लोग का देहांत हो गया तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है उसमें दमकल का कोई जो उसका कोई इग्नोरेंस है और उसका प्रॉपर ट्रेनिंग है भी और नहीं भी इसी इस दौरान जो जो उसका जो डिटेलिंग है ये सब कुछ अभी पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अर्पिता जी और एक चीज कुछ जो सीरियसली इंजर्ड है ऐसा कुछ लोग जो कि ट्रीटमेंट के पोजीशन में अभी है जो हॉस्पिटलाइज्ड है उनके हालत को लेके क्या बोल रहे हैं उनके हेल्थ को लेके क्या बोल रहे हैं डॉक्टर देखिए अभी तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला जो उसका जो क्या उसको क्या हाल हकीकत है मगर अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिली है पुलिस के दौरान वो उन्होंने बताया जो 9 लोग है इसमें ही देहांत हो गया और इसमें जो 9th लोग है एक है विमान पुरोकाई दूसरा है पार्थ शरती मंडल जो जो कि डेप्यूटी सीसीएम है और गिरी से जो कि दमकल अधिकारी है अनिरुद्ध जाना वो है दमकल अधिकारी और गौरव बेज ये भी है दमकल कर्मी और अमित भवाल ये है हेयर टिप का एएसआई सारण पांडे ये है रेल आदमी और संजय साहनी ये है आरपीएफ और भी एक अनआइडेंटिफाइड एक बंदा है उसका अभी तक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है कुछ लोग आए थे उसका कुछ गारमेंट्स लेकर वो लोग नहीं पहचान सके तो इसीलिए उसका डीएनए जो टेस्ट है वो डीएनए टेस्ट होने के बाद ये पता चलेगा ये कौन है सिर्फ एक ही बंदा है या फिर दूसरे भी हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड है
देखिए इसमें से एक लोग जो है उसका तो आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, उसका पीएम हो चुका है, मगर जो बंदा अभी तक अनआइडेंटिफाइड है उसका क्या परिचय है और क्या आइडेंटिफिकेशन है ये अभी तक किसी को नहीं मालूम। ये पुलिस वगैरह जो पुलिस से जो इंफॉर्मेशन मिली है हम लोगों को, तो इधर से कुछ लोग आए थे उसका डीएनए टेस्ट के बाद ये पता चलेंगे ये वो कौन है और ये क्या करते हैं, वो क्या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस का कोई आदमी है या कोई सिविलियन है, ये अभी तक पुलिस ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो इसीलिए जो सामग्रिक जो सिचुएशन है तो इसीलिए जो सामग्रिक सिचुएशन है उसमें से जो मिसिंग लिंक है, जो ये 9 लोग क्यों गए थे ऊपर में और क्यों इसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थे, क्योंकि जो दमकल कर्मी थे उसको प्रॉपर ड्रेस नहीं थे, उसको जो प्रिकॉशन लेना था क्योंकि जो 13 फ्लोर में जो आग लगा था और 12 फ्लोर में जो स्प्रेड किया है इसके दौरान भी वो लोग क्यों गए थे उधर में और लिफ्ट क्यों चल रहे थे, क्योंकि आग का जब कोई घटना होती है तो उसी के दौरान वो जो इलेक्ट्रिसिटी था वो जनरली उसको संभव करें तो पूरा 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 केस क्यों हुआ और इतने लोगों का जान क्यों गया उसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन होना है, उसके बाद ही कुछ सोल्यूशन निकल के आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पिता जी तमाम जानकारियों के लिए। परवर्ती खबर को आसिबा विजिलेंस जालरे सहकारी जंत्री विजिलेंस जालरे सुंदरगढ़ जिला बड़गाम ब्लॉकर सहकारी जंत्री परशुराम नायक आज सकाळु परशुरामको घरे एवं अफिसरे विजिलेंस चढ़ाउ होईछि। आयबर्भूत संपत्ति ढुला अभियोगरे तीनटि स्थानरे चढ़ाउ जारी रहीछि। बड़गाम अफिस समेत रंगा ढिपा एवं लेफ्रीपड़ा बासभवन एककालीन चढ़ाउ जारी रहीछि। एककालीन चढ़ाउ वर्तमान जारी रहीछि तीनटि स्थानरे आयबर्भूत संपत्ति ढुला अभियोगरे एनेक अधिक आलोचना करबा सुंदरगढ़ प्रतिनिधि सुजित साह अछते मस्त फोन लाइन रे। सुजित तीनटे स्थान रे एककालीन रेड करा जाउची किछि जणा पड़िलाणी निर्दिष्ट संपत्ति नै कि जो बड़गाम ब्लॉक रो असिस्टेंट इंजीनियर परशुराम नायक जो रहिसथि तांकर आयर बहुभूत संपत्ति ठुला अभियोग रे आज विजिलेंस रेड करछि। विजिलेंस तीन जगह रे विजिलेंस रेड करछि से जो बड़गाम ब्लॉक रो ब्लॉक रे जो अछंती असिस्टेंट इंजीनियर अछंती तांको ऑफिस रे रंगा ढिपा स्थित तांको बासभवन ओ निज पैतृक घर लेफ्री पड़ा रे तीन जगह रे रेड चली वर्तमान कोनोसी केते संपत्ति अछि वर्तमान सुधा आकलन करा जाई पारे नहीं किंतु वर्तमान मध्य रेड चली तीन जगह रे एककालीन रेड चली जदि कहिबा देखंतु ए प्रकार विभिन्न अभियोग एमती अनेक असिस्टेंट इंजीनियर कोंतु कि शिक्षक कोंतु कि बीओ किछि दिन पूर्वरु बीओ कर्मचारी असेंति रेड चलथिला तो एउटा गुटे सुंदरगढ़ रे जदि कहिबा सुंदरगढ़ रे आयर बहुभूत संपत्ति ठुल अभियोग रे अनेक जणकर घरे रेड चलथिले रेड मध्य होइछि आ आजि जो असिस्टेंट इंजीनियर अछंति परशुराम नायक तांक घरे रेड चलछि वर्तमान सुधा आकलन करा जाई पारि नहि केते संपत्ति ठुल अछि। बिल्कुल वर्तमान जेहेतु चढ़ाउ जारी रहिछि सेति पई केते परिमाण रो संपत्ति ठुल होइछि आयर बहुभूत संपत्ति सेनी की सटीक सूचना मिली पारे नाही। धन्यवाद सुजीत सविशेष आलोचना पाई। बलांगीर भीम भोई मेडिकल कॉलेज रे चिकित्सा अवहेलार जन रोगी को मृत्यु को नहीं उत्तेजना ए घटना रे 10 जन को गिरफ करिछि पुलिस। एने मेडिकल कर्तृपक्ष एवं रोगी का संपर्कियों का पक्षरु दुईटी पृथक पृथक मामला रुजु होईछि। पुलिस घटना रे अधिक तदंत चलाइछि। नर्स का भूल इंजेक्शन जोगो बोर्सीपाली गांव सुमंत बेहरा मृत्यु होता अभियोग कर संपर्क माने गतकाली मेडिकल गंडगोल करते डाक्तर एवं नर्स को घेराबंदी करने नर्सिंग रूम में व्यापक भंगारुजा करते यहां कि समय पर मेडिकल उत्तेजना देखाई पुलिस पर परिस्थिति को स्वाभाविक कर छोट बरती।